गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने गोरखपुर महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों से छात्र व छात्राओं के लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने बताया कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया है। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, इससे पता चलता है कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी व कॉलेज के बच्चे हैं। इन बच्चों के प्रोजेक्ट को कॉमर्शियल एप्लीकेशन पर ले जाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, हम इसमें मदद करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय उसमें छात्रों की मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमारा विज्ञान पढ़ने का यही मतलब है कि हम कैसे अपने समाज को योगदान दे पाएंगे और अपनी पढ़ाई को कैसे बढ़ा पाएंगे। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है। हमारे बच्चे स्टार्टिंग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी में आप सबका मनोरंजन करने के लिए एक बहुत अफगानिस्तान पुर्तुस्तान इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने कहा, बहुत बहुत अच्छी साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर और बच्चों ने बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए हैं और काफी मेहनत करी है। इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, कॉलेजेस के ही बच्चे हैं और बहुत अगर इन इनोवेशन को अगर आप कॉमर्शियल एप्लीकेशन पे ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा ये। और वी विल हेल्प देम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग द इंक्यूबेशन सेल सून एंड वी विल रजिस्टर द स्टार्टअप एंड ऑल्सो गाइड देम दैट हाउ टू गो फॉर द कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। बहुत प्रोत्साहन, देखिए हमारा साइंस पढ़ने का एम यही है कि हम समाज को कैसे, समाज को क्या योगदान कर पाएँ और जो हम अपनी स्टडी हैं उसको कॉमर्शलाइज कैसे कर पाएँ। तो ये तो हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। हमारे बच्चे इससे बहुत से स्टार्टअप आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे ले जाके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे।